पहली पौड़ी और इसको पहले श्लोक सतगुरु कह आए ने कि ज्ञान न गली ढूंढी है कथना करड़ा सार। ज्ञान गल्लां नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान राजे राणिया दे गीत गायन नाल नहीं प्राप्त हो सकता, ज्ञान नचण टप्पण दे नाल नहीं प्राप्त हो सकता, बल्कि अकाल पुरख दे प्रसाद नाल प्राप्त होंदा है, उसकी रहमत ते बख्शिश नाल प्राप्त होंदा है, ते उसकी रहमत बख्शिश गुरु की बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी है। हुण इस श्लोक दे साहिब कहिंदे ने कि अगर वाकई रास दे राही ही ज्ञान लैणा है, रास नूं वेख के ही आनंद माणना है, ता रास उस परमात्मा की तरफों अठे पैर पै रही है, अठे पैर रास लीला चल रही है। किथे चल रही है, केड़ी थां ते वेखण ते जाई है? साहिब कहिंदे किसे विशेष थां ते जाण दी लोड़ नहीं, रास लीला हर थां ते हो रही है, हर वक्त हो रही है, केवल वेखण वाली दृष्टि होवे। रास लीला विच ते श्री कृष्ण हुंदे ने, गोपियां हुंदियां ने, ग्वाले हुंदे ने, और फिर साजिंदे हुंदे ने, संगीत दियां धुनां हुंदियां ने, निरत हुंदा है। क्या यह सब कुछ हर थां ते मुयस्सर है? क्या यह सब कुछ हर थां ते मौजूद है? गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी सूझ बूझ आप कहते हैं हर थां ते मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, दिन रात दियां सठ घड़ियां मनिया जांदियां ने। साहिब कहते हैं ये सठ घड़ियां सठ गोपियां ने, ते जिहड़े दिन रात दे अठ पैर ने ये ग्वाले ने, ये गुजर ने। घड़ियां नच रही ने, ग्वाले नच रहे ने। दिन दा पहला पैर आया नचदा टपदा लंघ गया, दूजा पैर आ गया, दूजा पैर शोर मचांदा लंघ गया, दिन दा तीजा पैर, तीजा पैर नृत्य करदा लंघ गया, चौथा पैर फिर रात दा पहला पैर। ये पैर बार बार नचदियां टपदियां लंघदे ने और नच के फिर उत्थे आ जांदे। नृत्य दी ये गल है कि नचदियां नचदियां दूर चले जाना, फिर अपने खास थां ते आ जाना। ये पैर नचदे टपदे फिर उत्थे आ जांदे, फिर दिन दा पहला पैर, फिर दिन दा दूजा पैर, फिर दिन दा तीजा पैर, फिर दिन दा चौथा पैर, फिर रात दा पहला पैर, नच टप के फिर दिन दा पहला पैर। एक नाच हो रहा है। सठ घड़ियां गोपियां ने इन्हां अठ पैर रूपी ग्वालियां दे नाल ओ भी नच रही ने। एक घड़ी गई, दूजी आई, दूजी घड़ी गई, तीजी आई, ते हर घड़ी दे अपने अपने ढंग दा नृत हो रहा है, हर पैर दे अपने अपने ढंग दा नाच हो रहा है। साहिब कहिंदे इस रास नूं वेखो ते सही, जो प्रभु की तरफों पै रही है, जो अकाल पुरख की तरफों पै रही है। घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। इन्हां गोपियां ने ते इन्हां ग्वालियां ने गहने केड़े पाए ने? साहिब कहिंदे ने गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। चौमासा साढ़े देश की एक प्रधान रुत, जद घड़ियां ते पैर पानी दा गहना पहन लैंदियां ने। फिर विसाख जेठ हाड़ दे पवन प्रधान, जोर दी हवा, हनेरियां, तूफान, ये घड़ियां और ये पैर हवा दे गहने जो है बकायदा पहन लैंदियां ने। फिर ऐसी रुत कि अगन ही वरस रही है चारों पासे, अग ही अग, लू ही लू चल रही है, तो उस वक्त घड़ियां उस वक्त पैर ये अगन दे गहने पहन लेने ने। तो किसे घड़ी दे गर्मी, किसे घड़ी दे बारिश, ते किसे घड़ी दे पवन दा तूफान तूफानी वेग, ये वक वक घड़ियां ते ग्वाले गहने पहनते रहते ने, गहनियां नूं बदलते रहते ने। गहने पौन पानी वे संतर चंद सूरज अवतार, इस रास दे कृष्ण कौन है, इस रास दे राधिका कौन है? राधा चंद्रमा है और सूरज श्री कृष्ण ने। रास लीला नु दरअसल कृष्ण लीला भी कहते हैं। सारी लीला कृष्ण दे आले दुआले घूमती है।
महाराज कहते हैं चंद सूरज अवतार, ये जो सूरज है ये कृष्ण है। ते प्राकृतिक मंडल दियां ये सारियां रुत्तां थित वार ये घड़ियां ये सूरज दे आले दुआले नचदियां ते टपदियां। ये सारा पसारा सूरज करके है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, जैसे सारी लीला कृष्ण करके है। इस वास्ते उसनु कृष्ण लीला कहते ने। ये सारी लीला सूरज करके है। ते इस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है, उस सूरज दा सूरज कोई होर महासूरज है। ते आखर दे च गल मुकदी है परमात्मा ते, सारी इस लीला दा मरकस केंद्र वो परिपूर्ण परमात्मा आप है। तो सूरज कृष्ण है, चंद्रमा राधिका है, सगली धरती माल धन वर्तन सर्वजन जाल। ये सारी दी सारी धरती ते दा वर्तन वलेवा माल इत्यादक ये स्टेज है। इस दे उत्ते ये नृत हुंदा रहिंदा है, इस दे उत्ते ये नाच हुंदा रहिंदा है, और जीव इस नाच नूं वेखदे रहिंदे ने। ये वर्तन वलेवा जो जीवां लई जंजाल है, ये स्टेज धरती जिस दे उत्ते ये रास पै रही है, जिन्हूं वेख वेख के जीव आनंद माण सकदे ने, खेड़ा लै सकदे ने। पर इस रास नूं वेखण लई सूक्ष्म बिरती चाहीदी है, इस रास नूं वेखण लई बारीक मत चाहीदी है। महाराज कहिंदे नानक मुस्से ज्ञान वी होणी। इस तरह दी रास नूं वेखण दा ज्ञान ना होना, उन्हां दा जीवन मुसिया जांदा है, भाव लुटिया जांदा है, बर्बाद हो जांदा है। खाए गया जमकाल, ते इस तरह दे जीवां नूं आखर विच जमकाल खा जांदा है। ओ बार बार जन्म ते मरण दे चक्कर दे जो है पेंदे रहिंदे ने। तो साहिब कहिंदे मूल रूप दे ते परमात्मा दी तरफों ए अगम्मी रास चल रही है। सिर्फ वेखण वाली दृष्ट होवे, कोल ज्ञान होवे, ते हर थां ते हर वक्त रास पै रही है, रास लीला जो है चल रही है। पर ए रास लीला भी उन्हां नूं दिखाई देवेगी जिन्हां दे कोल सतगुरु दा ज्ञान है, जिन्हां दे ते परमात्मा दी बख्शिश है। मल्ला पहला, वायन चेले नचन गुर, पैर हलायन फेरन सिर, उड़ उड़ रावा चाटे पाए, वेखे लोक हसे घर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सच नाम, जाका किया सगल जहान, सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ, पिन्नी रैन जिनामन चाओ, सिखी सिखिया गुरु विचार, नदरी कर्म लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक, थल वरोले बहुत अनंद, लाटू माधानिया अनगा, पंखी भौंदिया लैन नसा, सुए चाड़ भवाइये जंत, नानक भौंदिया गणतन अंत, बंधन बंद भवाइये सोए, पहिए किरत नचे सब कोए, नच नच हसे चले सिरोए, उड़ न जाई सिद्ध न होए, नचन कुदन मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। सतगुरु देव जी महाराज इस अगम्मी श्लोक विच प्रमाण कर रहे हैं, अगर वह परमात्मा की चलाई हुई रसाई हुई रास लीला नहीं दिखाई देती, उहदे च रस नहीं मिलता, उहदा बोध नहीं, तो बाकी की जिहड़ी रास लीला है वह की है? वह तो है नचण कुदण मन का चाव, वह मनोरंजन है, ज्ञान नहीं, वह मनोरंजन है, भक्ति नहीं, वह मनोरंजन है, प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं, वह केवल मन का परचावा है, आत्मक आनंद नहीं। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा दौर सी, आपने वहम तोमात रस्मो रिवाज मनोरंजन दे तरह तरह के जिहड़े साधन ने सारे भगती भाव ज्ञान ते ईश्वरी साधना विचों कढ दित्ते। आखिया ईश्वरी साधना मनोरंजन नहीं, ईश्वरी साधना एक आनंद है। तो नचण कुदण मन का चाव, नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव। महाराज कहिंदे जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा भय है उन्हां दे अंदर फिर भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। बाकी ये जो जो है रास लीला चलदी है ये किस ढंग नाल चल रही है, सतगुरु देव जी महाराज उसका तमाम चित्रण करते ने। वायन चेले नचन गुर, चेले ते साज वजांदे ने, कोई रबाब वजा रहा है, सरंगी वजा रहा है, मृदंग वजा रहा है, तबला वजा रहा है, इस तरह के जिहड़े नाल चेले ने वह तो साज पे वजांदे ने। गुरु नचदा पिया है, रासधारिया रास मंडली का जिहड़ा मुखी है वह नचदा पे। हुण गुरु नच रहा है ते चेले साज पे वजांदे ने, ऐसा रास लीला दे च हुंदा है।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। बड़े सोहने ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, आखर निरत दे च हत्थां दा हिलाना, पैरां दा हिलाना, सिर दा हिलाना, कमर इत्यादिक दा हिलाना, शरीर दी जिहड़ी हरकत है इहनूं तरतीब विच दे दित्ती जाए तो फिर यह निरत बन जाता है। तो सतगुरदेव जी महाराज कहिंदे ने उह ढंग नाल पैर हिलांदे ने, सिर हिलांदे ने, जोर दा नचदे ने, ते जद जोर दे नाल पौठड़ी पांदे ने तां उड़ उड़ रावा झाटे पाए। जैसे नचदे ने ते उहनां दे चोले दी हवा दे नाल रावा रेत उड़दी है, मिट्टी उड़दी है। पुरानियां रासधारियां दा जिक्र सतगुरदेव जी महाराज अपने ढंग नाल जो है कर रहे ने। वेखे लोक हसे घर जाए, इस रास लीला नूं वेख के लोकी घर जाके खिड़खिड़ा के हसते ने, खुश होंदे ने, भई सोहना गीत सुन के आया, सोहना नाच वेख के आया, बहुत अच्छा नाच होया। तो नाच बंदगी नहीं, जगत दे गीत बंदगी नहीं, रास लीला बंदगी नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मन का चाव है, मन का परचाव है। तो जो रास मंडलियां ने उन्होंने बारे साहिब कहते हैं रोटियां कारण पूरे ताल, इन्हों का ताल पूरना, इन्हों का नृत्य दिखाना प्रभु नाल जोड़ना नहीं रोटियां की प्राप्ति है। इन्हों का सारा ध्यान रोटी ते, रास तालियां की यह मनोबिरति अक्सर बहुत नीवी देखी गई है। और रोटी की मंग जिस ढंग नाल करनगे और फिर रोटी दे जो कुछ मंग करनगे उस तो स्पष्ट होंदा है कि सारी रास रोटी दे आले दुआले होंदी रही है। इष्ट ते रोटी सी, परमात्मा ही रोटी सी, और उस रोटी दे आले दुआले ये नृत होंदा रहा, ये साज वजदे रहे और ये गुरु नचदा रहा। साहिब कहिंदे रोटियां कारण पूरे ताल, आप पछाड़े धरती नाल, खूब धरती दे नाल अपने आप नूं पछाड़दे ने, भाव लेट के भी नचदे ने, खड़े होके भी नचदे ने, इस तरह धरती दे उत्ते अपने आप नूं जो है पछाड़दे ने। गावन गोपियां गावन गान, गीत की गांदे ने, गोपियां दे गीत गांदे ने, कृष्ण दे गीत गांदे ने, ग्वालियां दे गीत गांदे ने। इस ढंग दी ए रासलीला चलदी है। गावन सीता राजे राम, रामलीला भी आउंदी है, वह भी रास पाई जाती है, सीता दे गीत गांदे ने, राजे राम दे गीत गांदे ने, महिमा गायन करदे ने। इस ढंग नाल रास राम दी ते कृष्ण दी पेश करदे ने। महाराज कहिंदे निर्भव निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहां। महाराज कहिंदे ओ जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है ओ ते भय तो रहत है, आकार तो रहत है, उसका की आकार पेश करोगे। उहदा नाम सच्चा है ते जिहदा कीता होया सारा जहान है, सारे जहान नूं जो नचा रहा है उहनूं नचाया नहीं जा सकता। इहदे च सतगुरदेव जी यह कह रहे हैं कि वह सूरज चंद तारियां नूं नचा रहा है, वह जीवां नूं नचा रहा है, वह सारे जगत नूं नचा रहा है। धरती नच रही है, सागर नच रहा है, दरिया नच रहे ने, पवन नच रही है, और सूरज चंद तारे नच रहे ने। ते हुण कोई ये आखे कि असी परमात्मा दी रास पाके परमात्मा नूं नचाणा है, ते जिस परमात्मा नूं असी नचा सकदे हां वह ते फिर साडे हत्थां दी खेड हो गया। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने नचण कुदण मन का चाओ, नानक जिन मन भाओ ते ना मन भाओ। तो महाराज कहिंदे ने गावन सीता राजे राम, निर्भव निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवे करम चढ़ाओ। जिन्हां दे बख्शिश होई है ऐसे सेवक सेवा कर देने, की सेवा कर देने, भिन्नी रैण जिना मन चाओ, अमृत वेला है, भिन्नी रात है, मन विच चाओ पैदा हो गया, उठिए। सिर्फ शरीरक तल ते ही ना उठिए, सुरत नूं भी जगाइए। सिर्फ शरीर करके ही प्रभु नाल ना जुड़िए, सुरत नाल भी जो है जुड़िए। महाराज कहिंदे जिन्हां दे उत्ते इस ढंग की बख्शिश है वो सेवक इस ढंग की सेवा करते हैं कि अमृत वेले भिन्नी जद रात है उठते ने, मन विच बड़ा भारी चाव है, सिखी सिखिया गुरु विचार। गुरु की विचार गुरु की सिखिया नूं सिख के बकेदा हिरदे दे जो है धारण करते ने, अमृत वेले उठ के प्रभु की बंदगी करते ने। ऐसे जिहड़े सिख ने, ऐसे जिहड़े भगत ने, नदरी करम लंघाए पार, इन्हां दे उत्ते प्रभु की नदर हो जाती है, मेहर हो जाती है, ते परमात्मा इन्हां नूं भव सागर तो पार लंघा देंदा है।
संसार सागर तो पार कर देंदा है।